नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। कमिश्नर आजमगढ़ ने पीजीआई हॉस्पिटल चक्रपानपुर का निरीक्षण किया। कोविड 19 जांच के लिए लगाई जा रही मशीनरी का भी निरीक्षण किया। कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। आजमगढ़ में कोविड 19 के सैंपल की जांच अभी बनारस व गोरखपुर में हो रही है। कमिश्नर आजमगढ़ ने कहा कि लैब बन जाने से सैंपल की जांच आजमगढ़ में ही पीजीआई हॉस्पिटल में हो जाएगी। इसी के विषय में मैंने विशेष दौरा किया। आजमगढ़ में कोरोना से मृत्यु दर बढ़ने पर उसकी कमियों को सुधारने के लिए भी डॉक्टरों को विशेष निर्देश दिया। कोरोना का प्रकोप आजमगढ़ में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको देखकर कमिश्नर आजमगढ़ ने पीजीआई चक्रपानपुर का दौरा कर बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। अब देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। क्या पूछना चाह रहे हो सर? आज निरीक्षण किया, क्या 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 मिले, क्या निर्देश दिए? देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि ये क्योंकि अब L3 स्तर का एक हॉस्पिटल है और उस टाइम पे यहाँ पे जो देखा गया है कि थोड़ी डेथ्स बढ़ी हैं, तो ये देखने के लिए कि डेथ्स क्यों बढ़ी हैं और क्या हम कर सकते हैं डेथ्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ें निकली हैं। डॉक्टर यहाँ जो चीज़ मंथन हुआ उसमें निकल के आया, अगर कुछ मशीन्स यहाँ पर लगें, कुछ ऑक्सीजन सप्लाई का कुछ तरीका अगर बदला जाए और जल्दी अगर पेशेंट्स आएँ तो डेथ से हम कम कर सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे एक टेस्ट लैब देखने आया था कि जब यहाँ पे एक लैब बन जाएगी तो यहाँ पे करीब 300 सैंपल्स RT-PCR सैंपल जो कि अभी बनारस या गोरखपुर भेजने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए, वो वहाँ नहीं भेजने पड़ेंगे, वाराणसी या गोरखपुर, यहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगी। और जो चीज़ें हैं मैन पावर लेने के लिए, अभी यहाँ पर सीमो साथ भी हमारे साथ में हैं, तो मैन पावर अब जो डॉक्टर्स हैं स्पेशलिस्ट हैं उसकी यहाँ मेडिकल कॉलेज में काफ़ी कमी है, तो शासन ने अभी ये निर्देश दे दिए हैं कि काफ़ी वो रिलैक्स कर दिए हैं नॉर्म्स को, तो ये जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कैसे ये अपने स्पेशलिस्ट को दे सकते हैं, कैसे पैरामेडिक्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं जिससे कि हमारे जनपद में कम से कम डेथ्स हों, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आया था। कुछ चीज़ें छनके आई हैं तो उनको करके हमारा प्रयास रहेगा कि आगे जो डेथ्स हों वो कम हों और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलाज होकर बाहर अच्छे से निकल पाएँ। यहाँ सर न्यूरो हार्ट और किडनी के स्पेशलिस्ट नहीं है? हाँ, तो वही बात हम लोगों ने करी, न्यूरो हार्ट और किडनी के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो ये प्रयास रहेगा पहले मतलब IMA से बातचीत करके, और अब क्योंकि ये NHM के माध्यम से ले सकते हैं तो कुछ जो संपर्क में जो लोग हैं उनको उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी सेवाएँ दें और जिससे कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो पूरा अच्छे से निकल सके, क्योंकि जो कोविड में डेथ हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि कोई और जो दूसरी बीमारी वाले जो लोग हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो रही हैं, तो उसका मैनेजमेंट करना कोविड के दौरान बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए जो और जो विधाओं के जो डॉक्टर्स हैं उनको लेने का प्रयास किया जाएगा। कुछ एनेस्थेटिस्ट हैं जो कि जिला जो डॉक्टर साहब हैं CMO को देने थे वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो प्रयास करा जाएगा, वो देंगे, उन्होंने कराया कि एक दो एनेस्थेटिस्ट वो यहाँ पर देंगे, और जो बाकी विधाओं के डॉक्टर्स हैं उनको भी लेने का प्रयास किया जाएगा।